हे गाइस, वेलकम बैक टू AKM शॉर्ट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम से 5 बजे फ्री होंगे और 5 बजे फ्री होने के बाद किस तरीके से आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के 2 बजे तक या कहे 1 बजे तक आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। पूरी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन मैंने आपको बनाई है, जो कि आप बोल सकते हैं कि आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं आपके पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसी तरीके से बताया, मैंने इस तरीके से पूरी इसको रियलिस्टिक तौर पे बनाया है। कभी भी इसमें कुछ अनरियलिस्टिक नहीं डाला है मैंने, इसमें ये नहीं डाला है कि 3 घंटे में आप इतना कवर कर लो उतना कवर कर लो। बहुत रियलिस्टिक है और यकीन माने इसको आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स हो रहा है तो समझिए आप 1 बजे तक, एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले तक प्रॉपर तरीके से फिट एंड फॉर पर्पस तैयार हो चुके होंगे। तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, अगर आप एक एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 1.5 दिन बाद 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो मैं एक तरीके से प्री अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पर सब्जेक्ट अपने कोर्स को 3 कैटेगरी वाइज, यानी कि ABC एनालिसिस आपने अपने कोर्स का किया होगा। और ऑन एन एवरेज ABC एनालिसिस अगर हम किसी सब्जेक्ट का करते हैं तो 50% ऑफ द कोर्स ए कैटेगरी में डालते हैं, 30% ऑफ़ द कोर्स बी कैटेगरी में डालते हैं और 20% ऑफ़ द कोर्स हम सी कैटेगरी में डालते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम शेड्यूल बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप 5 बजे एग्ज़ाम दे के आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप FR का पेपर दे के आए और 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक ना आपको अगला सब्जेक्ट उठाना है, ना ही आपको कोई कुछ सोच आए, ना ही आपको FR के बारे में सोचना है, ना ही आपको कोई प्रीवियस पेपर के बारे में सोचना है। आपको 1.5 घंटे घर आना है बिना किसी से किसी कोई चीज़ डिस्कस किए हुए, बिना आंसर्स मैच कराए हुए। आपको घर आना है, शांति से खाना खाना है, शांति से वॉक करनी है और शांति से अगर आप सो सकते हैं उस टाइम ड्यूरिंग, आधा 1 घंटे की नींद अगर आप ले सकते हैं तो आप नैप ले लें, नैप नहीं ले सकते म्यूज़िक सुन लें या फिर कोई भी आपकी फेवरेट रिलैक्सिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो 6:30 बजे तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करना है, नर्व्स को स्लो डाउन करना है। हो सकता है, हो सके तो डीप ब्रीदिंग करें या आप मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को चिल करें 1.5 घंटे। फिर 6:30 बजे आप फ्रेश माइंड से आप अपना कोर्स स्टार्ट कर दें। 6:30 बजे मैंने स्टार्ट किया है, वैसे मैं 7 बजे रख रहा था बट 6:30 मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको 7 बजे पढ़ना बोलूँ और 12 बजे तक पढ़ने को बोलूँगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई वॉन्ट टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6:30 स्टार्ट करवाया है। मुझे पता है मन नहीं करेगा पढ़ने का 6:30 बजे। 6:30 हम ये दिन जो होता है, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, ये मोस्ट अनप्रोडक्टिव होता है अगले सब्जेक्ट के लिए, मोस्ट अनप्रोडक्टिव, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो होगा ही। तो इसीलिए मैंने 6:30 से 9:30 बी कैटेगरी के, जी हाँ, ना कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी के 10 मार्क्स का कोई भी चैप्टर या कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड की लोएस्ट एफिशिएंसी रेट होती है। इसीलिए आप यहाँ पे ए कैटेगरी उठा के ए कैटेगरी को स्पॉइल नहीं कर सकते, इसलिए आप बी कैटेगरी उठाएं और 10 मार्क्स का कॉन्सेप्ट या फिर चैप्टर कवर करें। 3 घंटे में 10 मार्क्स हो जाने चाहिए, सिंस यहाँ पे लोएस्ट एफिशिएंसी रेट होती है आपकी, इसीलिए यहाँ पे 10 मार्क्स कवर करवाए हैं। आगे आप देखेंगे 2 घंटे में आपको 10 मार्क्स कवर करने होंगे। तो 6:30 से 9:30 आप पढ़ें, 9:30 से 10:30 के बीच में 1/2 घंटे का जो मैं गैप बोल रहा था वो आप एज अ ब्रेक ले सकते हैं, डिनर ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। 1/2 घंटा आप अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करें, खाना खाएं और उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक शॉर्ट रन आपको दोबारा करना होगा। मुझे पता है ये 10 से लेकर 12 तक तो मोस्ट लोएस्ट एफिशिएंसी रेट होती है, आप इसमें नहीं पढ़ सकते किसी भी तरीके से, बट फिर भी मैं जानता हूँ लेकिन आपको पढ़ना तो होगा ही, इसलिए 2 घंटे में आप सिर्फ 5 मार्क्स का कोई भी चैप्टर या कॉन्सेप्ट उठाएं, उसको रिवाइज करें, उसको थरली पढ़ के कवर अप करें। 2 घंटे में 5 मार्क्स, यकीन माने मुझे पता है उस टाइम बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बट 5 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और अगर आपका 1 घंटे में भी कवर हो जाता है तो इट इज़ अ बोनस वन आर, आप 6 घंटे की जगह 7 घंटे की नींद ले सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं और 12 बजे तक आपकी 15 मार्क्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे
आपने बी कैटेगरी के 15 मार्क्स कवर कर लिए हैं, उसके बाद आप सो जाएं, और अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठ जाएं। 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ है, ना ही कम है ना ही बहुत ज़्यादा। तो आप जब, और नींद बहुत ज़रूरी भी है, तो जब आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी लॉजिकल कि आप 6 बजे उठते ही पढ़ाई नहीं कर सकते, 6 बजे उठते ही आप सीधा बुक पे नहीं आ सकते। तो आधे घंटे अपने रिफ्रेशमेंट सब कुछ करके 6:30 बजे अब वापस लग जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 6:30 से 2:30 बजे तक का एक बिग चंक लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी होती है मोस्ट हाईएस्ट एफिशिएंसी रेट ऑफ माइंड। इसीलिए यहाँ पे आप ए कैटेगरी उठाएंगे और ए कैटेगरी के 6:30 से 2:30 बजे तक 8 घंटे, बीच में आपको ब्रेक जिस हिसाब से लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ए कैटेगरी 40 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ए कैटेगरी में 50 मार्क्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं 40 मार्क्स कवर कर रहा हूँ। 40 मार्क्स को आप किसी भी तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर ऑडिट होता है तो आप अलग अलग चंक बना सकते हैं कि 10 मार्क्स के 2 घंटे में मैं ये 10 मार्क्स के ये चैप्टर कर लूँगा, 2 घंटे में ऐसे कर लूँगा। लेकिन वहीं अगर हम SFM की बात करें तो फॉरेक्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो उसको आप ऐसे 3-3 घंटे के चंक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप 6:30 से 2:30 बजे तक का जो 8 घंटे का चंक है, आप उसमें ए कैटेगरी के 40 मार्क्स कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 40 मार्क्स कवर करेंगे। उसके बाद जब आप 2:30 घंटे, बीच में ब्रेक्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जब 2:30 घंटे, जब 2:30 बजे आप पढ़ के उठेंगे, तो 2:30 से 3:30 का टाइम मैंने यहाँ पे आप कह सकते हैं बफर टाइम रखा है। यानी कि आप अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है तो 1 घंटे आप अपने अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो आप अपने ब्रेक ले सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा है कि अगर आपका टारगेट 2:30 बजे तक का पूरा नहीं हुआ है तो बफर टाइम आप अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 8 घंटे की जगह 9 घंटे ले सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं 3:30 बजे, तो 3:30 से 8:30 का मैंने एक मीडियम साइज़ चंक उठाया है, जिसमें 5 घंटे मैंने 5 घंटों को 3 और 2 घंटे में सेग्रीगेट किया है, जिसमें 3 घंटे आप बी कैटेगरी के जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं आप वो कवर करेंगे। और अगले 2 घंटे में, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी रेट लो होती जाएगी, जैसे ही आप थक चुके होंगे, आप जब 8 बज रहे होंगे रात के, जब आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आप सी कैटेगरी उठाएं, ताकि आप ए कैटेगरी और एक, क्योंकि बी कैटेगरी आप ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके होंगे, ए कैटेगरी के 10 मार्क्स हम अगले दिन करेंगे, तो सी कैटेगरी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 8:30 बजे तक आप सी कैटेगरी के 10 मार्क्स कवर कर चुके होने चाहिए, और 8:30 से 9:30 फिर मैंने ब्रेक टाइम रखा है। ये बेसिकली मैंने ब्रेक टाइम नहीं रखा है, बेसिकली मैं 1-1 घंटे बफर टाइम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं 2 घंटे में हो जाएगा बट वो नहीं हो पाता है, तो मैं बफर टाइम लेके चल रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास टाइम कंप्लीट हो रहा है तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं, तो ब्रेक और डिनर भी कर सकते हैं 1-1 घंटे में, और फटाफट डिनर करके आप बफर टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर एडवांस चलना है तो आप नेक्स्ट टारगेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 9:30 के बाद 1/2 घंटे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें, फिर 10 से 12, या तो आप 9:30 से 11:30 कर लें या 10 से 12 कर लें, जिस भी हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे। 2 घंटे आप सी कैटेगरी के 10 मार्क्स कवर करेंगे। सी कैटेगरी के 10 मार्क्स कवर करके आपका सी कैटेगरी भी पूरा हो चुका होगा इस दिन, और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर सोएंगे कि हाँ मैंने सी कैटेगरी पूरी कर ली है, बी कैटेगरी पूरी कर ली है, ए कैटेगरी भी 90% पूरी हो चुकी है। उसके बाद आप सुबह 6 बजे उठेंगे, ऑब्वियसली 6 बजे उठते ही आप सब कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे हमें रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए, तो 6:30 बजे आप पढ़ने बैठेंगे। 6:30 से 8:30 जो 2 घंटे हैं, इन 2 घंटे में यहाँ पे भी आपकी मोस्ट एफिशिएंसी रेट अच्छी रहेगी आपके माइंड की, तो आप ए कैटेगरी के जो बचे हुए 10 मार्क्स हैं वो कवर करेंगे। 8:30 से 10 बजे तक का जो 1.5 घंटे का टाइम है, आप मोस्ट लेटेस्ट RTP MTP कवर करेंगे, क्योंकि RTP MTP में से कई बार ऐसे देखा गया है कि एज इट इज़ क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो लेटेस्ट RTP MTP आप कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको अच्छे तरीके से। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि मैं करता था, हर कोई नहीं करता है इस चीज़ को, बट मैं करता था, बट ये आप अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती है और कॉन्फिडेंस लूज भी कर सकती है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं तो करता था कि बोनस टिप ये मैं आपको देने वाला हूं कि 10 बजे जब मैं RTP MTP करके छोड़ देता था, तो मैं पास्ट ईयर पेपर उठाता था, और पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में एक बार गो थ्रू करता था कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उससे कई बार 80% ऑफ द केसेस में मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था, मुझे यकीन होता था कि मेरी तैयारी अच्छी
अच्छी है, और मैं 1 बजे जब घर से निकलता था तो कॉन्फिडेंट फील करता था। और कई बार ऐसे होता है कि आप पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप करना, क्योंकि आप 10 बजे तक सब कुछ कवर कर चुके होंगे। और ऐसा हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने मिनिमम 3 रिवीजन कर रखे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए, कि आप क्वेश्चन करने में असमर्थ हो जाएँ। तो ये मेरी बोनस टिप थी, और 10 बजे से लेकर आधे घंटे मैंने फिर आपको दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके ड्यूरिंग। फिर 10:30 से 12:30 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि A+ कैटेगरी के जो टॉपिक्स होते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको दोबारा रिवाइज करना है। ऑब्वियसली अगर आप 10:30 से 12:30 का जो टाइम है वो 2 घंटे का है, और अगर आप पिछला कोर्स कवर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आप टाइम पे कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 घंटे आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर आप कर पाते हैं टाइम पे सॉल्व कोर्स को पूरा, तो जो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार गो थ्रू आप कर लेना, ताकि जो फ्रेश और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से रहे। और वैसे भी 1.5 दिन में आपने बहुत मेहनत करी है, तो वो आपका पूरा टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा ही। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मुझे लगता है ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक, ये मैंने अप्लाई की थी, मेरे लिए तो बहुत काम की है। मैंने दूसरों को भी बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया हुआ है, तो उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स था इस कैटेगरी पे, इस स्ट्रैटेजी पे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस, आई होप दिस हेल्प्स यू एनी वे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, पूरा फोड़ दो, तोड़ दो और बस मचा दो। थैंक यू सो मच।